सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, हम इस तरीके से बहुत यूज करते हैं कि मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आऊंगी या आ जाऊंगा। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। आई कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है, कोई इसे बुला रहा है तो कह रही है कि मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आई कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। आगे बोल रही है कि आई कांट कम नाउ, यानी मैं अब नहीं आ सकती। आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन, क्योंकि बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। अब इस तरीके से जब हम पे काम होता है, हम किससे मना करते हैं कि भाई हम नहीं आ सकते, बहुत सारा काम है जो किया जाना बाकी है। इसे हम बोलेंगे आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन, क्योंकि अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है, मैं अभी नहीं आ सकता या आ सकती। काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता, या ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता। इसे कैसे बोलेंगे, आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया होता। आई विश गॉड हैड गिवन मी अ सन लाइक यू। तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ रियली गुड बॉय। You are a really good boy. यानी तुम सच में एक अच्छे लड़के हो। You are a really good boy. अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो यहाँ पर ये अपने घर वालों को बिना बताए किससे मिल रही है, तो कह रही है कि अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमें कुछ हो गया तो, इस तरह का सेंस आता है ना, तो वॉट इफ का यूज करते हैं। वॉट इफ समवन सीज अस टुगेदर। वॉट इफ समवन सीज अस टुगेदर। अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो। What if someone sees us together? अगर उसे पता चल गया तुम यहाँ हो तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये किसी लड़के से कह रही है कि तुम चले जाओ अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया ना। अगर उसे पता चल गया मेरे भाई को कि तुम यहाँ हो या तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ ही फाइंड्स आउट यू आर हेयर योर लाइफ विल बी इन डेंजर। इफ ही फाइंड्स आउट यू आर हेयर Your life will be in danger. यानी अगर उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो तुम्हारी जान को खतरा होगा। If he finds out you are here, your life will be in danger. मुझे डर है वे मर सकते हैं। यहाँ कभी यहाँ पर इसके फादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो उनके बारे में कह रही है कि आई एम अफ्रेड ही माइट डाई। आई एम अफ्रेड ही माइट डाई। तो इस तरीके से जब कोई बीमार होता है हमें उसके खतरा होता है कि वो मर सकते हैं या इनका इंतकाल हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम अफ्रेड ही माइट डाई। यानी मुझे डर है कि ये मर सकते हैं। माफ करना, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर कल ये इससे मिलना आया था इस लड़की से, लेकिन ये काम में इतनी व्यस्त थी कि इसने इससे बात ही नहीं की। तो अब इसे सॉरी बोल रही है, कह रही है कि आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे। आई एम सॉरी कहने का मतलब है कि माफ करना। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे। माफ करने, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं काम में बहुत व्यस्त थी। आई वॉज सो बिजी विद वर्क। आई वॉज सो बिजी विद वर्क। यानी मैं काम में बहुत व्यस्त थी। आई वॉज सो बिजी विद वर्क। तो इस तरीके से हमें बोलना होता है विद वर्क, इन वर्क नहीं बोलना हमें। आई वॉज सो बिजी इन वर्क नहीं, आई वॉज सो बिजी विद वर्क। मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब तक मैंने अपना काम सारा खत्म किया तुम जा चुके थे। एंड यू हैड ऑलरेडी गोन बाय द टाइम आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क। एंड यू हैड ऑलरेडी गोन, यानी तुम पहले जा चुके थे। बाय द टाइम, जब तक आई फिनिश्ड माई, कह रही कि आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क, जब तक मैंने अपना सारा काम खत्म किया तुम पहले जा चुके थे। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, यानी कि तुम आया मैं, मैंने तुमसे बात नहीं करी, मैं काम में लगी रही। तो कह रही कि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। I know you must have felt very bad. Have का use होगा क्योंकि यहाँ पर हम past में कह रहे हैं कि बुरा लगा होगा, तो must have जो भी verb आएगी उसकी third form. I know you must have felt very bad. I know you must have felt very bad. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता अगर मैं तुम्हारी जगह होती। I would feel the same if I were in your place. I would feel the same if I were in your place. यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होती मुझे भी ऐसे लगता। I would feel the same if I were in your place. अगर तुम्हें नहीं आना चाहती थी तो मुझे बता सकती थी। तो यहाँ पर किसी लड़की ने इससे मिलने का वादा किया था, ये बहुत टाइम से पहले पहुंच गया, घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन वो लड़की नहीं आई। तो अब ये इससे अगले दिन मिला तो कह रहा है कि यू कुड हैव टोल्ड मी इफ यू डिडंट वॉन्ट टू कम। यानी अगर तुम्हें नहीं आना था, अगर तुम नहीं आना चाहती थी तो यू कुड हैव टोल्ड मी, तो तुम मुझसे बता सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड मी। यू कुड हैव
कुड हैव का यूज हो गया है पास्ट में, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझसे बता सकती थी इफ यू डिडंट वॉन्ट टू कम, अगर तुम्हें नहीं आना चाहते, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मुझसे बता सकती थी, एटलीस्ट कम से कम आई वुडंट हैव वेटेड फॉर यू, मुझे तुम्हारा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, यानी मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता जितना मैंने किया, एटलीस्ट आई वुडंट हैव वेटेड फॉर यू, यानी अगर तुम मुझे बता देती, एटलीस्ट कम से कम आई वुडंट हैव वेटेड फॉर यू, मुझे तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ता, एज लॉन्ग एज यू हैव लॉट्स ऑफ मनी यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, कह रहा है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा बहुत है ना तो तुम्हारे दोस्त भी बहुत है, एज लॉन्ग एज यू हैव लॉट्स ऑफ मनी यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये किसी को अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है कि जब तक इंसान के पास पैसा रहता है तो उसके बहुत दोस्त रहते हैं, और जब वो बुरे वक्त में चलता है तो बहुत ज्यादा लोग उसके साथ नहीं रहते, कुछ गिने चुने जो असली दोस्त होते हैं वे रुकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है किसी को कि एज लॉन्ग एज यू हैव लॉट्स ऑफ मनी यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, जब तक तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, ये मैंने अनुभव से सीखा है, आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी इसके साथ ऐसा हुआ था कि वो पहले बहुत अमीर था तो उसके दोस्त बहुत थे, फिर वो गरीब हो गया, नहीं बुरा वक्त आ गया इस पे तो उसको सब छोड़ के चले गए, तो इसलिए कह रहा है कि आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि मैंने ये नहीं अनुभव से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है, आई हैव लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो घर से मेकअप किए बिना नहीं निकलती, अपनी वाइफ के बारे में किसी को बता रहा है कि हर जहाँ पे भी मैं जाता हूँ लेट हो जाता हूँ अपनी वाइफ की वजह से, क्योंकि वो पहले मेकअप करती है बाद में घर से निकलती है, तो बता रहा है कि गुस्से में है काफी, शी नेवर लीव्स हर हाउस विदाउट फर्स्ट पुटिंग ऑन मेकअप, शी नेवर लीव्स हर हाउस विदाउट फर्स्ट पुटिंग ऑन मेकअप, तो पुट ऑन का हम यूज कर सकते हैं मेकअप के लिए, यानी वो घर से मेकअप किए बिना कभी नहीं निकलती, शी नेवर लीव्स हर हाउस विदाउट फर्स्ट पुटिंग ऑन मेकअप। देखो मैं इतनी दूर लंदन से तुमसे मिलना आई हूँ, यहाँ पर ही बहुत दूर से किससे मिलना आई है लेकिन सामने वाला इससे बात नहीं कर रहा, तो कह रही कि लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू, यहाँ पर सी यू का मतलब है मीट यू, है ना, लुक आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू सी यू, यानी मैं लंदन से यहाँ तुम्हें देखना ही तुमसे मिलना ही हूँ, मैंने किसी को जबान दी थी, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, मैंने जबान दी थी, हम कहेंगे आई गेव माई वर्ड टू समवन, आई गेव माई वर्ड टू समवन, यानी मैंने किसी को जबान दी थी, आई गेव माई वर्ड टू समवन, मुझे तुम्हारी मदद की ना तो जरूरत है और ना ही चाहिए, इस तरीके से हम कहते हैं ना, ना तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इंग्लिश में बोलेंगे आई नीदर, क्योंकि यहाँ पे दो दफे ना आ रहा है, हम दोनों ही चीज को मना कर रहे हैं, ना तो मदद चाहिए और ना ही मदद की जरूरत है, आई नीदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प, आई नीदर नीड नॉर वॉन्ट योर हेल्प, यानी मुझे ना तो तुम्हारी मदद चाहिए और ना तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यहाँ पर ऑफ का यूज जरूर होगा, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यानी तुम यूज टू मी, यूज टू मी, यूज नहीं है यहाँ पर, ईडी नहीं लगा हुआ इसमें, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यानी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही।